नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बुध का भाव फल। जन्म कुंडली के समस्त 12 भावों में बुध किस भाव के संपर्क में आने से, किस भाव में बैठने से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, बुध बुद्धि के देवता हैं। बुधम बुद्धि मताम श्रेष्ठ है। बुध का संबंध व्यक्ति की वाणी से है। बुध व्यापार के प्रतिनिधि ग्रह हैं। बुध राजकुमार हैं और जीवन में बुध की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति को व्यापारिक सफलताएं नहीं मिल पाती। कला के क्षेत्र में व्यक्ति काफ़ी पीछे रह जाता है। उसकी वाणी बहुत बढ़िया नहीं होती। तो दोस्तों, आज आप जन्म कुंडली का अध्ययन करके बड़ी आसानी से जान पाएंगे आपके जीवन में बुध की स्थिति क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न में पहले भाव में बुध बैठे हुए हैं तो पहला भाव शरीर का होता है। पहले भाव से व्यक्ति का स्वभाव निश्चित किया जाता है और बुधम बुद्धि मताम श्रेष्ठ है। बुध बुद्धि के ग्रह हैं, वाणी के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत ज्यादा चतुर होता है। जिसके पहले भाव में बुध बैठे हुए हों उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाने पर भी चेहरे पर उम्र दिखाई नहीं पड़ती। लगन में बुध होने पर व्यक्ति मजा हुआ व्यापारी होता है, अच्छा कवि होता है, अच्छा वक्ता होता है, अपनी बात को स्पष्टता से कह लेता है। क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के और वाणी के प्रतिनिधि ग्रह माने जाते हैं। और बुध के लगन में जाने पर, चौथे भाव में जाने पर, सातवें भाव में जाने पर और दसवें भाव में जाने पर, ये केंद्र में बुध के होने पर एक राजयोग बनता है जिसका नाम है अरिष्ट भंग योग। तो लगन में बुध जाने पर अरिष्ट भंग योग बनता है जिससे दूसरे ग्रह भी व्यक्ति का अरिष्ट नहीं कर पाते, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दूसरे भाव में बुध होने पर, चूंकि दूसरा स्थान वाणी का है, धन का है और कुटुंब का है, तो यहां पर जो बुध किसी के बैठे हो दूसरे स्थान में तो ऐसा व्यक्ति भी वाणी का धनी होता है और ऐसा व्यक्ति थोड़ा मिष्ठान प्रिय होता है। भोजन खाने का उसको बहुत ज्यादा शौक होता है और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर और उसको सहयोग करने वाली होती है। दोस्तों, तीसरे भाव में, ये तीसरा स्थान जन्म कुंडली में पराक्रम का स्थान होता है, तो पराक्रम के स्थान से बुध का संपर्क होने पर व्यक्ति पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है। भाइयों का साथ ऐसे व्यक्ति को मिलता है और ऐसे व्यक्ति के भाई उसका साथ देने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा आदमी थोड़ा डरा हुआ रहता है, कहना चाहिए उसको इंटरनली थोड़ा सा घबराहट रहती है, वीकनेस रहती है, तो ये थोड़ा इसके अंदर दुर्गुण भी होता है। चौथे भाव में बुध होने पर, यहाँ केंद्र में, ये चौथा भाव केंद्र भी है, व्यक्ति महाविद्वान होता है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी विषय को पकड़ लेगा तो उसके पूरा करके ही छोड़ेगा। अपने सब्जेक्ट का बड़ा जानकार होता है, वाणी बहुत अच्छी होती है और गरीब होने के बाद भी, मजे की बात यह है कि चौथा स्थान भूमि, भवन, वाहन, माता और सुख का होता है। तो चौथे स्थान में यदि किसी व्यक्ति के बुध है तो ऐसा व्यक्ति गरीब होने के बाद भी सुखी रहता है, खुश रहता है और उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता किसी भी कारण से। जायदाद वाला होता है, अनेकों मित्रों वाला होता है और व्यापार में ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है बिना किसी योजना के भी। पांचवें स्थान में, ये पांचवा स्थान बुद्धि स्थान है, पुत्र का स्थान भी है और यंत्र मंत्र तंत्र का स्थान भी है, पूर्व जन्म का भी ये स्थान है और जो अपने घर के देवता पितर होते हैं उनको भी यहाँ से देखा जाता है। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह सीधे 11वें स्थान पर दृष्टि करता है तो पंचम भाव का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पंचम भाव में जिसके बुध होगा, चूंकि बुध सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है, वह व्यक्ति अति क्रोधी होता है। पांचवें बुध होने पर व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है, बेवजह विवाद करने वाला होता है, बेवजह झगड़ा करता है
और दूसरे आदमी की बेइज्जती करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, बहुत जल्दी से दूसरे आदमी की बेइज्जती ऐसा आदमी कर देता है। दोस्तों छठे भाव में जिसके बुध होता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा नहीं होता जीवन में, शत्रु उसके ऊपर हावी नहीं होते और बीमारियां भी बहुत देर से ऐसे व्यक्ति को पकड़ती हैं। सातवें स्थान में बुध जिसको होता है या केंद्र में, ऐसा व्यक्ति कपड़े पहनने का शौकीन, प्रेमिका और पत्नी बहुत सुंदर उसको मिलती है, बहुत महिमाशाली होता है, लोग उसकी बढ़ाई करते हैं और ज़्यादा चांस इस चीज़ के हैं जिसके सातवें घर में बुध होगा और अच्छी स्थिति में होगा, मित्र के घर में होगा या अपनी उच्च राशि में होगा या अपनी मित्र की राशि में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को धनी स्त्री मिलती है, पैसे वाली स्त्री मिलती है। अष्टम भाव मृत्यु स्थान भी है, गुप्त धन का स्थान भी है, गुप्त विद्याओं का स्थान भी है। तो अष्टम भाव में बुध होने पर, अष्टम भाव में बुध के बैठने पर व्यक्ति फेमस होता है, लंबी आयु वाला होता है, अपने परिवार का साथ देने वाला होता है और बुध अष्टम होने पर अगर व्यक्ति की एजुकेशन बढ़िया तो न्यायाधिकारी होता है, जज या कोई भी ऊंची नौकरी प्राप्त करता है। नवम भाव ये भाग्य स्थान होता है और धर्म स्थान होता है, तो धर्म स्थान से बुध का संपर्क होने पर व्यक्ति की आयु में दोष नहीं होता, यानी कि व्यक्ति दीर्घायु होता है। अगर किसी के नौवें घर में यहाँ पर बुध बैठा हो तो लंबी आयु होती है, महान धार्मिक होता है, क्योंकि यह स्थान धर्म स्थान भी होता है। यहाँ पर नवम भाव से धर्म को देखते हैं और भाग्य को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कोई धार्मिक नेता भी हो सकता है या कोई सोशल वर्कर या किसी मंदिर वगैरह कमेटी में बड़ा पदाधिकारी, कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति यह न कहने प्रकार है धर्म कार्यों में लगा रहता है और अपना काम बनाने वाला होता है। स्वकार्यम साधियते धीमान, ऐसा व्यक्ति अपना काम बनाने वाला होता है और अच्छा वक्ता होता है। दसवें स्थान में अगर किसी के बुध है, ये दसवां स्थान कर्म स्थान होता है, पिता का स्थान होता है और भाग्य स्थान होता है। यहाँ पर बुध होने पर व्यक्ति को कैरियर में जबरदस्त सफलता दिलाता है, गवर्नमेंट जॉब के योग, साथ ही साथ में बड़ा व्यापारी, व्यापार में सफलताएं दिलाता है। दसवें घर में जिसके बुध होगा ऐसा व्यक्ति एडवांस माइंड होता है, उसका दिमाग 10-5 साल आगे चलता है आम आदमी से, सत्याचरण करने वाला। दसवें घर में बुध होने से व्यक्ति को झूठ बर्दाश्त नहीं होता, न वह खुद झूठ बोलता और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, अपने आप में मजबूत होता है। ग्यारहवें स्थान में बुध होने पर यहाँ पर जब बुध बैठेंगे तो सीधा पांचवें घर को देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी होगा, लंबी आयु वाला होगा और ग्यारहवें स्थान में बुध होने पर बहुत कम चांस है कि आदमी गरीब रह जाए। ऐसा व्यक्ति पैसे वाला होता ही होता है, उसके घर में नौकर चाकर होते हैं, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया होती हैं। लेकिन दोस्तों बारहवें स्थान में, द्वादश स्थान जो है व्यय स्थान है, बारहवें स्थान में बुध की स्थिति होने पर व्यक्ति पुअर माइंड होता है, चीफ मेंटिलिटी, दिमाग से बहुत ज़्यादा गरीब होता है, विद्याहीन होता है। ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं होती, कदम कदम पर पराजय कराने वाला, अपमान कराने वाला और बेहद क्रूर बुद्धि का व्यक्ति होता है। तो कुल मिलाकर के बारहवें स्थान में बुध के रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं होते, व्यय स्थान है बारहवां स्थान। तो दोस्तों यह थी बुध की 12 भावों में फलादेश, कामना करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार वीडियोज के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।